दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह अपने आधार कार्ड की मदद से अपना पोर्टेड सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह बिना ओटीपी के अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई भी सिम हो, वो चाहे जियो, एयरटेल, वीआई, आप अपने आधार कार्ड से अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कैसे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने सिम को अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं और अपने सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो बस आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप एयरटेल या फिर वीआई का सिम यूज़ करते हैं, तो आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है, 59059। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, तो आपके अल्टरनेटिव नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है, तो आप उस ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड से अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 59059 पर कॉल करना है और थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आपको कहा जाएगा, अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, तो दो टाइप कीजिए। तो वहाँ से आपको दो टाइप करना है। जैसे ही आप दो टाइप करेंगे, तो वहाँ से आपको अपना आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करेंगे, तो वहाँ से आपको अपना डेट ऑफ ईयर एंटर करना है। मान लीजिए अगर आप 2000 में पैदा हुए हैं, तो वहाँ से आपको 2000 एंटर करना है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और अपना डेट ऑफ ईयर एंटर करेंगे, तो आपका सिम वेरीफाई हो जाएगा और आप इस तरह इस प्रोसेस से अपने सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप अपने जियो के सिम को आधार कार्ड से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 1977 पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे, तो वहां से आपको थोड़ी देर वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे, तो आपको कहा जाएगा, अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है, तो दो टाइप कीजिए। तो वहां से आपको दो टाइप करना है। जैसे ही आप दो टाइप करेंगे, और वहां से आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और अपने डेट ऑफ ईयर को एंटर करना है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपका जियो का सिम भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह आप इस प्रोसेस की मदद से एयरटेल, वीआई, जियो का सिम पोर्ट के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।